गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एवियन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी स्टडी अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द रोल ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। आवर नेक्स्ट चैप्टर इज कलेक्शन ऑफ डाटा। और नेक्स्ट चैप्टर इज कलेक्शन ऑफ डाटा। देखो, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डाटा, वो आप देखिए। फर्स्टली इंट्रोडक्शन, कलेक्शन ऑफ डाटाज मीन्स क्या है? देखो, क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कोई भी पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए क्या होता है, डाटाज की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट होती है किसकी? डाटाज की। विदाउट डाटाज एक प्रॉपर रिजल्ट देना या एक प्रॉपर गाइड करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। भी प्रॉपर रिजल्ट के लिए, प्रॉपर मैप के लिए क्या होता है, अपने को डाटास की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और जो डाटाज है वो डाटा अपन कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है, उसको इस चैप्टर में क्लेरिफाई किया गया है। डाटा किस टाइप के होते हैं, उन डाटास को किस तरह से अपने को अरेंज करना होता है, उनका कलेक्शन कैसे करना है, वो इस चैप्टर में कंप्लीटली दिया गया है। तो ये तो क्या हुआ, इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या होता है भी, डाटास की क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके, ठीक है। और उन डाटास को किस वे में अपने को कलेक्ट करना है, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं या कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर है जिनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, डाटास को कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो अपन इसमें देखेंगे। इसमें जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है व्हाट आर द सोर्स ऑफ डाटा। डाटा के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं भी, ठीक है। डाटा की जो सोर्सेज है उनको टू पार्ट्स में अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। डाटा जो होते हैं उनको अपन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और डाटा जो होते हैं वो होते हैं पहले जैसे प्राइमरी डाटा, और सेकंड जो होते हैं अपने सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा कौन से होते हैं भी, कलेक्ट द डाटा बाय कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। मतलब ऐसे डाटा जिनको क्या कर रहे हैं अपन, तो इंक्वायरी के थ्रू डायरेक्ट क्वेश्चन करके क्या कर रहे हैं भी, या इंक्वायरी करके क्या कर रहे हैं, जिन डाटा को अपन कलेक्ट कर रहे हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी डाटा। मतलब दोज डाटा कलेक्टेड बाय कलेक्टेड द डाटा बाय कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। ऐसे डाटा जिसको अपन इंक्वायरी के थ्रू क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी डाटा बोलेंगे। फिर आते हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा कौन होते हैं, यूज बाय अनदर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो प्राइमरी डाटा अपन ने क्या किए, प्रिपेयर किए हैं, जिन प्राइमरी डाटा को अपन ने कलेक्ट किया है बाय इंक्वायरी, इंक्वायरी के थ्रू जिन प्राइमरी डाटास को अपन ने कलेक्ट किया है, उन प्राइमरी डाटास को अगर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है भी, यूज कर रही है, ठीक है, उनको उन डाटास का क्या कर रही है, जो प्राइमरी डाटास है उन उन प्राइमरी डाटास को जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर यूज कर रही है, तो वो क्या होंगे उनके, उनको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डाटास बोलेंगे, ठीक है। तो डाटास की जो ये व्हाट आर द सोर्स ऑफ डाटा, डाटा की टू सोर्स है, ठीक है। डाटास को अपन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो हो गया अपने प्राइमरी डाटा और सेकंड जो अपने होते हैं सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटास कलेक्ट द डाटा बाय कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। प्राइमरी डाटा क्या होते हैं, जो इंक्वायरी के थ्रू अपन क्या करते हैं, जिनको कलेक्ट करते हैं वो आते हैं अपने प्राइमरी। एंड सेकेंडरी डाटा यूज बाय अनदर अदर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो प्राइमरी डाटा अपन ने कलेक्ट किए हैं, उन प्राइमरी डाटा को अगर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, यूज कर रही है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं अपने सेकेंडरी डाटा होते हैं, ठीक है। ये जो कलेक्शन होता है ये किससे होता है भी, ये जैसे अपने क्या होते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड होते हैं, तो उनके उनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। या फिर जो इंटरनेट फैसिलिटीज है उनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जितने भी या कोई डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो भी डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट से डाटा आपको कलेक्ट करने हैं, उसकी साइट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस डिपार्टमेंट के डाटा को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
जो भी बेसिक डाटा होंगे वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी ये बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहां से, या फिर जो भी जो उनकी जो भी पर्सनल साइट होती है या इंटरनेट साइट जो भी उनकी, उनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन डाटास को इजीली क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर डाटा की रिक्वायरमेंट है तो उस डिपार्टमेंट की साइट पे जाके आप वहां से क्या कर सकते हो, उसके डाटास को इजीली कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं अपने प्राइमरी और सेकेंडरी डाटास, मैंने आपको बताया, और उनको कैसे अपने को कलेक्ट करना है उनको। आप जैसे बाइंग जैसे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उससे वहाँ पे आप उनको क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, या उनकी जो पर्सनल साइट है तो वहाँ से आप उनके ओवरऑल डाटास को क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। थर्ड जो अपना टॉपिक आता हुआ आता है, हाउ डू वी कलेक्ट द डाटा। हाँ, अपन जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो कैसे करें, ठीक है ना, हाउ वी डू कलेक्ट डाटा, अपने को डाटा कैसे कलेक्ट करने हैं, कैसे कलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो पॉलिटिकल पार्टी को अगर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी जो जो भी लीडर है उसकी अगर इंक्वायरी करनी है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे बेसिस होते हैं उनके बेसिस पे वो क्या करते हैं, वो डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि वो जैसे मान लो कोई पर्सन है तो उस पर्सन का एक तरह से क्या बिहेवियर है, ठीक है, उसका नेचर किस टाइप का है, उसकी पॉपुलैरिटी कैसी है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं अभी, वो तो अपन क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल डाटा। ठीक है, या अगर अपने को कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करनी है तो अपन उस प्रोडक्ट की क्या करेंगे, प्राइस के बेसिस पे करेंगे, इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। ठीक है ना, मतलब कंज्यूमर से अपन क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट की प्राइस उसकी क्वालिटी के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, कंज्यूमर से एक तरह से इंक्वायरी कर सकते हैं। तो डाटा कलेक्ट करने का जो कैसे करना है, एक वे होता है कि अपने को किसी ना किसी चीज को बेसिस मानना होगा, जैसे वुमन पर्सन की कर रहे हैं तो उसकी पॉपुलैरिटी कैसी है, उसकी नेचर कैसा है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, उसके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और प्रोडक्ट बेसिस पे करना है तो प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटीज क्या है, उनके बेसिस पे अपन क्या करेंगे कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाइड है या नहीं है, उनमें कौन कौन से वीक पॉइंट है, वो प्राइस से सेटिस्फाइड है या नहीं है, ठीक है, प्राइस क्या डिसाइड होनी चाहिए, कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे बेसिस होते हैं उनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, डाटास को कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे बताया कि पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं वो अपने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं, तो उससे पहले उनके क्या करते हैं, एक तरह से उनके पॉपुलैरिटीज को क्या करते हैं, सर्च करते हैं, पॉपुलैरिटी है उनकी, मार्केट स्टैंडर्ड कैसा है उनके, ठीक है, उनका नेचर किस टाइप है, इस बेसिस पे उनका क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, और उसके बाद में वो क्या करते हैं, डाटा उसको कलेक्ट करते हैं। तो ये क्या होते हैं अपने टू पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एक तरह से डाटा उसको कलेक्ट कर सकते हैं। अगर ह्यूमन पर्सन के डाटा कलेक्ट करने हैं तो उसके बिहेवियर नेचर से रिलेटेड होंगे, एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो प्रोडक्ट की प्राइस एंड क्वालिटी के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, ओवरऑल डाटा उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका ये पॉइंट फिनिश हो गया। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप देखो, नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देखो क्या हो, प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स, देखिए आप जब आप ओवरऑल डाटा को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो, तो उनके लिए आपको एक क्या करना होगा, एक फॉर्मेट बनाना होगा। क्वेश्चंस जो अपन करते हैं, अभी क्वेश्चन तो किस टाइप के होंगे, तो उन क्वेश्चंस को अपने को किस वे में रेडी करना है, क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, ये अपने को एक फॉर्मेट बनाना होगा, और उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे अपने को क्या करना होंगे, डाटा को कलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, वो कौन से पॉइंट्स होंगे, प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट्स को रेडी करने के लिए कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको, या कौन क्वेश्चन में
ऐसे क्या फॉर्मेट होना चाहिए क्वेश्चंस का, वो अपन डिसाइड करेंगे और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, डाटा उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, एक तो जब आप कलेक्शन कर रहे हो, डाटास का कलेक्शन कर रहे हो, तो आपको इस कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स होते हैं, अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के बेसिस पे ही आप क्या करोगे, जो भी पब्लिक है या कंज्यूमर्स है उनसे आप क्या करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे। तो वो क्वेश्चन किस टाइप के होने चाहिए, उनमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है वो आप देखिए। फर्स्टली तो आपको ये नोटिस करना होगा कि जो क्वेश्चन है वो क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट लॉन्गर, लॉन्ग वो क्या होनी चाहिए, ये बोल रहा है क्या नहीं होना चाहिए, नॉट लॉन्गर मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जो है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन के बेसिस पे या कोई क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन करने हैं, कंज्यूमर से डाटा कलेक्ट करने हैं, तो वो क्वेश्चन क्या नहीं होने चाहिए, नॉट लॉन्ग, ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन होती है जिसको एक इजीली क्या हो भी कोई भी किसी पर्सन को आप इजीली क्या कर करो एक तरह से उनको बता सको, ठीक है। ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो कंज्यूमर उसको अंडरस्टूड नहीं कर पाएगा, उसको इजीली समझ नहीं पाएगा और वो अपना एक रिप्लाई नहीं दे पाएगा। तो क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, जहां तक हो सके शॉर्ट होने चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे तो कंज्यूमर्स उसको इजीली क्या कर पाएगा, अंडरस्टूड कर पाएगा, समझ पाएगा और अपना रिप्लाई भी देगा। बट अगर क्वेश्चन लॉन्ग है तो कंज्यूमर अपना एक प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये चीज, इस चीज को आपको नोटिस रखना है कि क्वेश्चन जो होने चाहिए वो नॉट लॉन्गर, मतलब ज्यादा लॉन्ग नहीं होने चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन हो वो शॉर्ट में होने चाहिए जिससे इजीली कंज्यूमर उसका रिप्लाई दे सके, ठीक है। सेकेंड, आप क्वेश्चन जब प्रिपेयर करो तो आपको क्या देखना है, अभी क्वेश्चन क्या होने चाहिए, भी इजी होने चाहिए, इजी इजी क्वेश्चन क्या होने चाहिए, इजी होने चाहिए। देखो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इजी के इजी होना चाहिए, क्वेश्चन इजी कैसे होगा भी, मतलब आपको क्वेश्चन जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वो क्वेश्चन जो वो एक तरह से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन होना चाहिए, इजी क्वेश्चन होना चाहिए जिसका रिप्लाई कोई भी नॉर्मल माइंड वाला पर्सन जो वो उसका रिप्लाई कर सके, ठीक है ना। ये नहीं कि ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि बहुत डिफिकल्ट हो जिसके लिए बहुत शार्प माइंडेड पर्सन की क्या हो रिक्वायरमेंट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इजी होना चाहिए। इजी मतलब जो नॉर्मल, जो अपने बेसिक जो बेसिक जो अपने होते हैं अभी बिहेवियर से रिलेटेड, या बेस्ट जिसको एक नॉर्मल पर्सन जो होता है वो भी क्या हो उसको इजीली समझ सके, ठीक है। अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, हार्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो मोस्टली जो कंज्यूमर्स हैं या फिर जो जिनसे आप इंक्वायरी कर रहे हो, डाटा कलेक्ट कर रहे हो, वो उनका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप एक ही आप जब क्वेश्चन को क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो, मतलब जिस क्वेश्चन के बेस पे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो वो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मतलब इजी कि जिसको इजीली हर एक पर्सन क्या कर सके, अंडरस्टूड कर सके, समझ सके और उसका रिप्लाई दे सके, ठीक है। तो क्वेश्चंस वो क्या होने चाहिए, इजी होना कंपलसरी है, ठीक है, इजी होंगे। थर्ड आपको क्या नोटिस करना है, अ शॉर्ट फॉर्म अ जनरल क्वेश्चंस, हाँ आपको एक चीज देखना है कि जर्नल क्वेश्चन होनी चाहिए, जर्नल क्वेश्चन क्वेश्चंस, जर्नल क्वेश्चंस होने चाहिए, मतलब नॉर्मल ऐसे नहीं है कि अगर आप जो भी क्वेश्चन की बना रहे हो या ठीक है डिसाइड कर रहे हो, वो क्या होने चाहिए, एक तरह से शॉर्ट होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और शॉर्ट एंड जर्नल होने चाहिए, ठीक है ना, जर्नल सामान्य जो अपने नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो होने चाहिए, ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इन तीन पॉइंट्स को अपने को क्या करना होगा, प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो अपन क्वेश्चन रेडी करते हैं, तो क्वेश्चन रेडी करने के लिए अपने को इन पॉइंट्स को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, क्योंकि इन पॉइंट्स के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, करेक्ट डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट डाटा कलेक्ट करने के लिए अपने को क्या करना होगा, ये जो क्वेश्चंस है नॉट लॉन्ग होने चाहिए, ज्यादा लॉन्ग नहीं होने चाहिए, एंड इजी, इजीली मतलब जो ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज का उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, यूज नहीं होना चाहिए जिसको कि इजीली कोई ह्यूमन पर्सन उसको अंडरस्टूड नहीं कर पाए, एंड जर्नल क्वेश्चंस, ठीक है, और जर्नल क्वेश्चन होने चाहिए जो अपने सामान्य क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो अपन
स्टडी करते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड अपने को वो क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए, पॉइंट फिनिश हो गए, प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इसमें मोड ऑफ डाटा कलेक्शन, मोड ऑफ डाटा कलेक्शन, मोड ऑफ डाटा कलेक्शन। देखो डाटा कलेक्शंस के थ्री मोड्स हैं। फर्स्ट है पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। सेकंड है मेल्ड, मेल्ड मेल इंटरव्यू। एंड थर्ड जो है वो अपना टेलीफोनिक, टेलीफोन के थ्रू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, इंटरव्यू। ये थ्री मोड्स अपने को दे रखे हैं। फर्स्ट जो है वो अपना पर्सनल इंटरव्यू, सेकंड है वो अपना मेल इंटरव्यू, एंड थर्ड है वो अपना टेलीफोनिक इंटरव्यू। देखो क्या होता है, देखो पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, अपन कोई भी डाटास कलेक्ट कर सकते हैं, उनको थ्री वे में क्या कर सकते हैं, डाटास को कलेक्ट कर सकते। फर्स्ट होता है पर्सनल इंटरव्यू, इसमें अपने को क्या होता है, जिस भी पर्सन से अपन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उससे अपने को फेस टू फेस क्या होता है, भी मिलना होता है, मतलब फेस टू फेस होकर अपन क्या करते हैं, इससे डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्ट जिस भी पर्सन से आपको डाटा कलेक्ट करना है उससे आपको क्या करना होगा, फेस टू फेस होना पड़ेगा, और वहां पर आपको उन जो बेसिक क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको क्या करने होंगे, डाटा कलेक्ट करने होंगे, ठीक है। इसमें आपको हैंड टू हैंड क्या मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा, क्रॉस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और उनकी क्या जो भी जिससे भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो उनके क्या क्वेश्चंस है उनका आपको रिप्लाई करना होगा, ठीक है। तो वो किस में आएंगे, अपने पर्सनल इंटरव्यूज में आएंगे, मतलब पर्सनली आपको क्या करना होगा उनसे, फेस टू फेस होकर आपको उनसे डाटा कलेक्ट करने होंगे, ठीक है। और उसमें क्या होंगे, क्रॉस क्वेश्चंस होंगे, और उसके अंदर आपको क्या करना होगा, एक तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बेसिस पे आप उनसे क्या करोगे, उनका क्वेश्चन करोगे और उनके रिप्लाई को आप इजीली क्या कर पाओगे, अंडरस्टूड कर पाओगे, उनका हैंड टू हैंड आपको क्या मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा, वो क्या होंगे, पर्सनल इंटरव्यूज, पर्सनल, ठीक है। सेकेंड आते हैं अपने मेल इंटरव्यूज, मेल्ड कौन, इसमें आप कोई भी पर्टिकुलर डाटाज होते हैं वो क्या होते हैं, भी मेल के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं, मतलब आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड अगर आपको डाटा कलेक्ट करने हैं तो आपके जितने भी सेलेक्टेड जिनको भी आपको, जिनसे भी आपको डाटा कलेक्ट करना है उनको आपको क्या करना होता है, मेल करना होता है, ठीक है। और मेल के थ्रू क्या होता है, भी मेल होता है, और मेल के थ्रू क्या किए जाते हैं, भी डाटा कलेक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी पॉइंट से रिलेटेड अगर डाटा कलेक्ट करने हैं तो उस पॉइंट की डिटेल आपको क्या करनी होगी, सेंड करनी होगी, जितने भी पर्सन जिनसे आपको डाटा कलेक्ट करना है उनको सेंड करना, और फिर वो क्या करेंगे, अपने अपने रिप्लाई देंगे उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, कि भाई उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है, या उसमें क्या पॉइंट है, तो वो क्या होते हैं मेल डाटा। इसमें अपने को फेस टू फेस जिससे भी अपन डाटा कलेक्ट करें उससे अपन फेस टू फेस नहीं होते हैं, फेस टू फेस नहीं मिलते हैं, ठीक है, मेल के थ्रू ही अपने को क्या होता है, रिप्लाई मिलता है अभी। तो वो होते हैं अपने मेल डाटा, मतलब पोस्ट के थ्रू क्या होता है अपने को जो डाटा होते हैं वो कलेक्ट करने होते हैं, वो किसमें आते हैं, मेल्ड इंटरव्यू के अंदर आते हैं, ठीक है, इंक्लूड होंगे। एंड नेक्स्ट जो वो अपना आता है वो आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यूज में क्या होते हैं, अगर आपको किसी भी पॉइंट से रिलेटेड अगर डाटास कलेक्ट करने हैं, ठीक है, आपको जितने भी ओवरऑल डाटास कलेक्ट करने हैं तो वो डाटास आपको किस बेसिस पे करना होगा, वो डाटास आप वो टेलीफोनिक जो डाटास है टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू आपको, मतलब बाय टेलीफोन आपको क्या करना होगा, डाटा कलेक्ट करना होगा, मतलब टेलीफोन जिससे भी आपको डाटा कलेक्ट करने हैं उसको आपको टेलीफोन से क्या करना होगा, कॉल करके, और फिर आप क्या करोगे अपने डाटा को कलेक्ट करोगे, ठीक है। इसमें अपने को फेस टू फेस नहीं होना होता है, ठीक है, और इसमें आप बाय टेलीफोन क्या कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड क्या कर सकते हो, डाटा कलेक्ट कर सकते हो और उन डाटा को
का रिप्लाई भी जो जो भी जिससे भी आप कलेक्ट कर रहे हो वो पार्टीज आपको क्या कर सकती है उससे रिलेटेड जो भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाएगी, क्रॉस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं भी टेलीफोनिक डाटाज होते हैं। तो थ्री टाइप से अपन क्या कर सकते हैं डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली मेल के थ्रू एंड बाय टेलीफोन। टेलीफोन के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और अपना रिप्लाई या जिससे अपन डाटा कलेक्ट कर सकते हैं उसके व्यूज को अंडरस्टूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं थ्री वेज होते हैं मोड ऑफ डाटा कलेक्शन के, ठीक है। मोड है, थ्री मोड्स अपने को दे रखे हैं, पर्सनल, मेल्ड एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है। तो ये आगे पर्सनली में फेस टू फेस होता है, इसके अंदर क्या होता है इसमें हैंड टू हैंड अपने को रिप्लाई मिलता है। इसमें क्या होता है मेल्ड के अंदर क्या होता है आफ्टर सम टाइम अपने को रिप्लाई मिलता है, टेलीफोनिक में भी अपने को क्या होता है उसी टाइम पे रिप्लाई मिलता है, ठीक है। और इसमें अपन उनके जो भी व्यूज होते हैं या उनके जो भी एक तरह से उनको अपन डायरेक्ट फेस कर सकते हैं, उनकी क्या एक्सप्रेशंस क्या होते हैं उनको अपन एक तरह से इजीली उनको वॉच कर सकते हैं एक्सप्रेशंस को, बट इनमें उनके एक्सप्रेशंस को क्या नहीं कर सकते, वॉच नहीं कर सकते किसी भी, ठीक है। तो ये डाटा क्या होते हैं अपने थ्री मोड्स दे रखे हैं अभी, ओके।